हाय गाइस, मेरा नाम है सुहेल खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोर ऑटोकैड। तो गाइस, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में 3D बेड किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो चलते हैं ऑटोकैड में। सबसे पहले दोस्तों, आप बेड का एक साइज ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है, मैं इसको 5 फीट बाई 6 फीट में एक बेड बनाता हूँ। तो आप इसको लाइन कमांड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पॉली लाइन से बनाऊंगा, PL कमांड से, क्योंकि मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, क्योंकि लाइन जो होती है ये एक लाइन में काउंट होकर चलती है। तो यहाँ पर मैं पहले 5 फीट इसकी चौड़ाई दे देता हूँ, इसकी चौड़ाई आ चुकी है, विड्थ आ चुकी है इसकी। उसके बाद मुझे 6 फीट इसकी हाइट देनी है। ये 6 बाई 5 का एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है पहले यहाँ पर। मैं इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरा रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो एक बेड का साइज़ है मेरा 5 फीट बाई 6 फीट का। अब मुझे अंदर की तरफ एक ऑफसेट लगाना है 5 इंच का, जो ऑफसेट बनाता है मेरा मेट्रेस बनाता है, जो गद्दा होता है अंदर का, वो बन के आया है ये मेट्रेस। तो ये मैंने बना लिया 5 इंच का ऑफसेट ला के। अब मुझे करना क्या है, मुझे पीछे की तरफ एक लाइन बनानी है, 5 जो पीछे की लाइन है इस पर ही एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 फीट की, क्योंकि मुझे पीछे का जो बेस है वो बनाना है। तो मैं इसकी हाइट दूंगा 3 इंच का एक ऑफसेट लगाऊंगा, ओ कमांड से 3 इंच की मैंने ऑफसेट लगाई पीछे की तरफ। अब मुझे इस पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है, इसका एक फ्रेम बना लेना है REC कमांड से, रेक्टेंगल कमांड से। ये रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है गाइस। ये मेरी 3 चीज़ें रेडी हो चुकी है। मेरा जो बेड है उसका बेस तैयार हो चुका है पूरा पूरा एक रेक्टेंगल, और पीछे का जो बेस है इसका टॉप पे जो होता है सराहने पर जो एक बना होता है वो भी रेडी हो चुका है मेरा। और उसके बाद मेरा जो मैट रेस्ट है वो भी बन चुका है। तो मैंने 3 चीज़ें क्रिएट कर ली। अब मुझे व्यू चेंज करना है, व्यू चेंज करके मैं व्यू में गया। अब मुझे इसको 3D में बनाना है, तो मुझे इसको एक्सट्रूड कमांड से इसको हाइट देनी होगी। तो मैं सबसे पहले इसका पीछे का जो बेस है वो तैयार करूँगा। तो EXT कमांड, एक्सट्रूड कमांड लिए मैंने सेलेक्ट करा, और पीछे के ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और ऊपर की तरफ इसको माउस को ड्रैग करेंगे और इसकी हाइट देंगे। तो मैं इसकी हाइट रखूँगा यहाँ पर 2 फीट, जो पीछे का सराहना होता है उसकी 2 फीट मैंने हाइट रख दी है। उसके बाद मुझे इसकी बेड की हाइट देनी है, तो मैं एक्सट्रूड कमांड फिर से यूज़ करूँगा, EXT। ये मैंने एक्सट्रूड कमांड यूज़ करी, ऊपर की तरफ इसको माउस को ड्रैग किया, इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 9 इंच। ये 9 इंच का ये बेड बन चुका है, 9 इंच इसकी हाइट हो चुकी है। अब मुझे जो मैट्रेस है उसको भी हाथ के हाथ इसको एक्सट्रूड कर लेना है EXT कमांड से। ये मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ऊपर की तरफ इसको भी ऐसे एक्सट्रूड किया। तो मैं इसकी जो मैट्रेस है इसकी हाइट मैं 5 इंच रख देता हूँ। मेरा 5 इंच का मैट्रेस तैयार हो चुका है, जो हिंदी लैंग्वेज में गद्दा कहलाया जाता है मेरे बेड के ऊपर। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कलर डिसाइड कर लेता हूँ, कोई भी सेलेक्ट कलर में गया मैं, यहाँ मैंने इसका कोई भी एक कलर ले लिया, मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं इसके साथ ही साथ इसके जो मेरे पीछे का बेस है और ये जो मेरा बेड बन के आया इसका भी कलर मैं डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको कंसेप्चुअली करके देखूँगा तो ये अच्छे से शोकेस करेगा। मैंने ब्राउन कलर ले लिया है पीछे का। अभी मेरी 3 चीज़ें बन चुकी है। अब मुझे जो नीचे का मैट्रेस है इसको हाइट पर देना है, इसको एक्सट्रूड करना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको कंसेप्चुअल कर लेते हैं पहले। कुछ इस तरह से ही मेरा बेड शोकेस करेगा। अब इसके ऊपर का जो मैट्रेस है वो मुझे एक्सट्रूड करना है। तो मैं इसको वापस 2D वायर फ्रेम में जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखने में आसानी होगी। तो मैंने ये इसको मूव कमांड से मूव कर लेना है, M स्पेस। उसके बाद मुझे इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और ऊपर की तरफ इसको उठाना है। मैंने उठा लिया इसको। उसके बाद मुझे शिफ्ट दबा के एट दर है और 0, 0, उसके बाद मुझे इसको 10 इंच की हाइट पे इसको एक्सट्रूड मतलब मूव करना है, क्योंकि जो मेरा नीचे का बेस है वो ऑलरेडी 9 इंच का है। तो मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा देना है, यहाँ मैंने 10 इंच दिया। और जैसे इंटर मारूंगा मैं तो ये मेरा बन के ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको कंसेप्चुअली करके देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा बेड के ऊपर ये रखा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना इजी तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है, हर कमांड को किस तरह से इसको बनाया है। अब इसको आप फ्लिट कमांड से इसकी जो शेप है, जो कॉर्नर बने हुए हैं, इनको फ्लिट कर सकते हैं, जो अच्छा शेप दिखाएगा। तो ये मैंने फ्लिट कमांड ली, राइट क्लिक किया, रेडियस में गया, यहाँ पर मैंने 1 इंच दिया, क्योंकि मुझे 1 इंच का फ्लिट करना है इसको। तो यहाँ मैं देखिएगा किस तरह इसको फ्लिट कर रहा हूँ। यह मैंने सेलेक्ट किया और डबल स्पेस देती है, इस तरह से फ्लिट होगा। ऐसे आप सारे कॉर्नर्स के फ्लिट कर सकते हैं, इस तरह से आप सारे कॉर्नरों को स्टेप बाय स्टेप सारे फ्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बेड को और अच्छे से शोकेस करेगा और अच्छे से दिखाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है फ्लिट होने के बाद। ये इस तरह से कुछ जो पॉइंट है जो आप रख सकते हैं फ्लिट शेप में आप रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको 3D ऑर्बिट में करके दिखा दूंगा किस तरह ये शोकेस कर रहा है हमारा बेड।
जो डबल बेड होता है अक्सर बेडरूम में बिछा होता है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा शोकेस कर रहा है ये बेडरूम मेरा, ये मतलब मेरा बेड बना हुआ। तो दोस्तों आज हमने सीखा ऑटोकैड में किस तरह 3D बेड क्रिएट किया जाता है, किस तरह 3D हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप इस पर इसके पिलोज जो होते हैं वो भी एड ऑन कर सकते हैं, आप इसको और अच्छे से फ्रेम बनाकर इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो बट मैंने इसको आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको समझाया है कि किस तरह हम बेड 3D में क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सीखते जाइए, करते जाइए, और मुझे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।